हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने पेटीएम वैलेट के पैसे को अपने पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर किसी के भी पेटीएम पेमेंट बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने पेटीएम से रिलेटेड टॉपिक्स पे और भी वीडियो बना रखी हैं, उनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा। वहाँ से जाके इजीली उन्हें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, ये रही, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसमें आप बाद आपको इसमें स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। ये जहाँ बैलेंस एंड हिस्ट्री है, पेटीएम बैंक है, पेटीएम वैलेट है। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस चेक करा देता हूँ कि मेरा पेटीएम वैलेट में कितना है, बैंक में कितना है। तो ये पेटीएम वैलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 56 रुपीज़ इसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बैक आ जाएंगे, पेटीएम बैंक में जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल के एंटर कर देना है। मैं जल्दी से कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पेटीएम पेमेंट बैंक खुल गया है। यहाँ पे मेरे 18 रुपीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सेविंग अकाउंट बैलेंस। ये कार्ड डिटेल्स होती हैं। बैक आ जाना है, लॉग आउट कर देना है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। इसमें जो सबसे पहला पासबुक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बैलेंस एंड हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करना है हमें। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे खुल जाएगा, पेटीएम बैलेंस, पेटीएम पोस्ट पेड, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपको पेटीएम बैलेंस वाले पर क्लिक करना है और नीचे पेटीएम वैलेट आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। इसमें आपको सेकंड वाले ऑप्शन जिस पे लिखा है सेंड मनी फ्रॉम वैलेट टू बैंक, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें आपको ट्रांसफ़र करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, ठीक है। 0% चार्ज है ये, ठीक है। पहले 5% लगता था पर अब कोई चार्ज नहीं लगता। और यहाँ कम से कम आपको 20 रुपये ट्रांसफ़र करने होंगे, 20 से कम पर ये नहीं लेता। तो यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे 20। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसीड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमें अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में डालने हैं तो यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे हम बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर नेम ये डालेंगे जो पेटीएम पेमेंट बैंक का है। अगर आपको ये देखना नहीं आता कि बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड कैसे देखते हैं पेटीएम बैंक का, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा। मैं जल्दी से इन चीज़ों को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर एक बार और कंफर्म करने को बोलेगा बैंक अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पे वो डाल देना है। मैं जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल पेबल 20 रुपीज़ दिखा रहा है, चार्ज 0 दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके फ़ोन के ऊपर OTP आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं जल्दी से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली 20 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो चुके हैं बैंक में, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम वैलेट के पैसे को पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।